You came into a next part of our chapter number 9. Here we study about our chapter ahead. A funny incident. The date is 14th February 1984. So it was evening. Khandambi was feeling hungry. We did not have anything to eat. उनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं. She jumped over the fence and got into the field. The fence से jump करके वो खेत के अंदर गई. She quickly plucked two big cucumbers and came back. तो दो बड़े बड़े ककुम्बर लिए, ककड़ी जो होती है ना वो खीरा, और सीधे वापस आ गए. Just then a woman came from behind and got hold of her bag. तो पीछे से आके उस किसी औरत ने उसका बैग पकड़ लिया. She started saying to Khandambi in her own language. तो कुछ बोलने की बोल रही थी अपनी भाषा में. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वॉज सेइंग. तो क्या बोल रही थी. Khandambi was trying to explain her मिजो, इन मिजो. तो मिजो लैंग्वेज के अंदर Khandambi उसको एक्सप्लेन कर रही थी. द लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड. तो ऐसी लैंग्वेज जो हम समझ सकते थे नहीं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नीदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट. तो मैं हिंदी में बात कर रही थी पर उसको सब लोग में से कोई समझ रहा था नहीं. फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स एंड से दैट वी आर सॉरी. तो मैं बोली फिर सॉरी. बाय देन आवर ग्रुप गॉट गॉन फार अहेड. तो फिर हमारा ग्रुप बहुत फार चला गया. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. तो वो तो अंधेरा हो चुका था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे. तो हम तो मुझे तो ऐसा लगा कि हम अपना रास्ता भूल गए हैं. नाउ वी आर रियली स्केयर्ड. अब तो हमें डर लग रहा था. वी कुड नॉट सी एनी थिंग इवन विद आवर टॉर्चेस. तो टॉर्चेस से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा था. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. तो कोल्ड था फिर भी मैं स्वेट करना शुरू कर दिया था. आई टाइटली हेल्ड अप Khandambi's हेड. आई कॉल्ड लाउडली, जोर से बोली, वेर आर यू ऑल, कैन यू हेयर मी. आप कहाँ पे हो, आप मुझे सुन रहे हो. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन. वी बोथ स्टार्टेड विशर लाउडली एंड फ्लैश आर टॉर्चेस. तो टॉर्चेस फ्लैश करना स्टार्ट कर दिया, जोर जोर से आवाज़ लगाना स्टार्ट कर दिया था. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग. द ग्रुप ने नोटिस कर दिया कि हम मिस हो रहे हैं, हमें भूल गए वो. वी हर्ड समवन विशल एट अ डिस्टेंस. हमने किसी की विशल सुनी. आई अंडरस्टूड द सिग्नल. वी हैड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड. Khandambi फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. तो हमें बातें करनी चाहिए. सी स्टार्टेड सिंगिंग इन मिजो सॉन्ग लाउडली. मिजो सॉन्ग लाउडली, वो मिजो लैंग्वेज जो है मिजोरम की, उस लैंग्वेज का सॉन्ग वो जोर जोर से गाना शुरू कर दिया. आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस. एट लास्ट वी वर विद अ ग्रुप अगेन. तो फिर हम अपने ग्रुप के साथ वापस आ गए. टेल, इज देयर एनीवन इन योर क्लास हूज लैंग्वेज यू डोंट अंडरस्टैंड. कोई है जिसकी आप लैंग्वेज नहीं समझ सकते हो, और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स. कोई आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है. वट डू यू डू इन सच केसेस. आप क्या करते हो ऐसे केसेस के अंदर. हैव यू एवर लॉस्ट योर वे. आप अपना रास्ता भूल चुके हो कभी. वट डिड यू डू देयर. आपने क्या किया था. वाई डू यू थिंक Khandambi वुड हैव सम लाउडली. Khandambi ने क्यों जोर से गाया होगा. हैव यू एवर सीन समवन डूइंग दिस स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर. वट एंड वैन. तो कभी आपने देखा है किसी को ऐसे अपने डर से लड़ने के लिए कुछ करा हुआ हो, नई चीज़ की हो. आस्क योर फ्रेंड अबाउट विदाउट स्पीकिंग. आउट योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग. बोले बिना आपके फ्रेंड के पास से बुक मांगो. ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग इन द क्लास इन अ सेम वे. क्लास के अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इसी तरीके से. नाउ स्पेशल गेट. आफ्टर डिनर वी मेड अ स्पेशल ग्रेट गेस्ट बछेद्री पाल. सी आर जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए टाइप ये पार्ट ऑफ अ टीम उसे सिलेक्ट किया गया था. शी हैड केम टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. तो खाली ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. वी वर ऑल सिंगिंग. हम सब गा रहे थे. बछेद्री ऑल्सो ज्वाइंट अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन अ फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको बारा मासा. तो ये कोई सॉन्ग है कफल पाको चैता मेरी छैला. ये कोई सॉन्ग है वहाँ का पहाड़ी सॉन्ग गढ़वाल लैंग्वेज में या फिर मिजो सॉन्ग लैंग्वेज के अंदर होगा. तो वो गा रहे थे. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बछेद्री वुड बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. तो हमें पता नहीं था कि बछेद्री पहली ऐसी महिला होगी जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची होगी और हिस्ट्री बनाएगी. बछेद्री के पास बैठे हुए थे फिर भी. वी वेर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2,134 meters. वी वेर टू स्पेंड नाइट हियर. तो हमें यहाँ पर रात बितानी थी. Everyone was busy trying to put up the tent. सब busy थे tent put up करने के. We used double layer plastic sheet for a tent and for the ground. Tent और ground के लिए double layer plastic sheet का use किया था. Air between the layers would help to keep us warm.
तो दो लेयर के बीच में जो एयर होती है वो हमें ठंडा गर्म रखेगी। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट। तो अब पैक्स रखे और पुट टेंट को पुट अप करने के लिए शुरू कर दिया। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड विल फ्लू ए टेंट फ्रॉम अदर साइड। तो एक तरीके से हम ज्वाइन करना चाहते थे, हम जैसे ही बांधते थे उसे दूसरी तरफ से वो उड़ जाता था। आफ्टर क्वाइट लॉट पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट अ टेंट अप। हम बहुत जद्दोजहद के बाद में हमने टेंट लगा दिया। देन वी डग अ ड्रेन आउट ऑफ द टेंट। हमने ड्रेन निकाली टेंट से बाहर। वी वेर हंग्री, वी कलेक्टेड फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा। फायरवुड और स्टोन कलेक्ट किया चूल्हा बनाने के लिए। एंड कुक सम फूड आफ्टर अ मील। वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग एंड क्लीन द कैंप साइट। तो कैंप साइट क्लीन किया। फिर ऑल्सो वी गेट इन टू द स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग्स के अंदर गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट। तो मुझे तो श्योर भी नहीं था कि मैं उसके अंदर सो भी सकूंगी नहीं। वुड इट बी कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल होगा। वुड आई नॉट फील कोल्ड, मुझे ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। तो सॉफ्ट फेदर्स से फिल्ड थे बैग, जिससे हमें गर्मी लग रही थी, वो इतने ठंडी नहीं लग रही थी, थोड़ा गर्म सा महसूस हो रहा था। वी वेर ऑल वेरी टायर्ड, हम बहुत थक गए थे। सो वी सून वी फेल स्लीप। तो सब सो गए। ओके नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो हमने देखा था वो तो स्नोइंग हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी। वाइल सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लेक्स छोटे छोटे टुकड़े होते स्नो के, वेर जेंटली फॉलिंग, नीचे गिर रहे थे। वाओ इट वॉज सो ब्यूटिफुल, द प्लांट्स एंड ट्रीज, द ग्लास एंड माउंटेन्स, एवरी थिंग लुक वाइट। टूडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर। 2700 मीटर तक हमें चढ़ना था। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग, हम स्लीप हो रहे थे इसलिए डिफिकल्ट था। बाय आफ्टरनून वी रीच टू द स्नो कवर्ड माउंटेन। तो स्नो कवर्ड माउंटेन तक पहुंचे। वी एंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स टू ईच अदर एंड मेकिंग अ स्नोमैन। स्नोमैन बनाना और एक दूसरे के तरफ स्नो बॉल्स फेंकना हमने एंजॉय किया था। अभी लास्ट एट कैंप क्या हुआ? तो वी वेयर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। वी वर एंजॉयिंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। सून इट वॉज मिडनाइट हो गई थी। ब्रिगेडियर ग्रांड सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। ब्रिगेडियर ग्रांड सिंह आए और मुझे बुलाया। आई थॉट ओ नो व्हाट आई हैव डन नाउ। तो मुझे दिस टाइम मैंने अब क्या किया होगा था जिसने मुझे बुलाया। बट सर वॉज अनाउंसिंग माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए उनका नाम अनाउंस किया। आई स्टूड स्टिल, ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय डाउन फॉर माई फेस। तो मुझे जॉय, मुझे खुशी के आंसू आने शुरू हो गए। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक ड्रेन वॉज डग फ्रॉम अ टेंट। तो ड्रेन क्यों लग बनाई थी? बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट अदर एक्टिविटीज कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। दूसरी कौन सी एक्टिविटीज है जिसे एडवेंचरस बोल सकता है और वाई? इमेजिन एंड राइट, इमेजिन करो और लिखो। आर यू ऑन अ माउंटेन, यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर? यू कैन, व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हो? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, आपको क्या लगता है वहाँ पे करोगे आप? ओके यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है माउंटेनियरिंग की जो आपको देखनी है। देखो ये अपना है बचेंद्री पाल वाला फोटो। ओके थिंक व्हाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। क्यों सबसे ऊपर इंडियन फ्लैग रखा था बचेंद्री पाल ने? व्हाट हैव यू सीन अ नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, व्हेन हैव यू सीन अ नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, आपने कब देखा अपना झंडा लहराया हुआ? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ आर नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मेक अ ग्रुप ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन, डिजाइन अ फ्लैग ऑफ योर ओन ग्रुप, अपने ओन ग्रुप का फ्लैग डिजाइन करो। एक्सप्लेन वाई यू चूज दैट डिज़ाइन, और एक्सप्लेन करो कि आपने वो डिज़ाइन क्यों चूज़ किया। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री, वेयर, आपने दूसरी कंट्री का फ्लैग देखा है, कहाँ पर देखा है? ओके तो हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आपने बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे ये चैप्टर। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी।